देश की कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है और दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। नमस्कार, द पेन डाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। इस समय देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। तमाम सीटों पर यह चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। ऐसी ही एक सीट है तेलंगाना की हैदराबाद, जहां इस बार अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले तेज तर्रार और अनुभवी सांसद असदुद्दीन ओवैसी के मुकाबले बीजेपी ने एक नए प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। पूरी जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हैदराबाद में इस बार चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है, जहां बीजेपी 40 साल से अभेद्य ओवैसी के किले को भेदने के लिए एक नया चेहरा लेकर आई है। विश्व प्रसिद्ध चार मीनार के शहर हैदराबाद को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर भी हैदराबाद के गोलकुंडा में मिला था और एक जमाने में यहाँ निजाम का शासन हुआ करता था, जिनकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े रईसों में होती थी। आज़ादी के बाद सरदार पटेल के प्रयास से हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ। वहीं पिछले 40 साल से हैदराबाद की लोकसभा सीट पर वर्तमान सांसद असदुद्दीन ओवैसी के परिवार का ही कब्जा है। हैदराबाद सीट 1984 से AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहाद ए मुस्लिमीन का गढ़ रही है। ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन 20 साल तक यहां से सांसद रहे और उसके बाद उनके बेटे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से लगातार सांसद चुने जा रहे हैं। इस बार बीजेपी ने अनुभवी सांसद असदुद्दीन ओवैसी के सामने माधवी लता को मैदान में उतारा है, जिन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। स्वयं गृह मंत्री अमित शाह ने एक माह पहले हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में मंच से माधवी लता का परिचय कराया था। माधवी आ गया हो, माधवी आ गया हो, माधवी के लिए सब लोग ताली बजाओ भाई। सवाल ये उठता है कि आखिर ये माधवी लता हैं कौन? एक तरफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो मुस्लिमों के पैरोकार के रूप में जाने जाते हैं और मुस्लिमों से जुड़े किसी भी मामले पर खुलकर बोलते हैं। वहीं अगर माधवी लता को हिंदुत्व की पैरोकार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। माधवी लता को 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली महिला के रूप में जाना जाता है। सामाजिक कार्यों में लगातार सक्रिय रहने वाली माधवी लता ने बेसहारा मुस्लिम महिलाओं के लिए भी एक ट्रस्ट बनाया है। इसके अलावा माधवी अपने ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कार्य करती हैं। ओवैसी को राजनीति विरासत में मिली है, तो माधवी लता का कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। भरतनाट्यम की नर्तकी और एक अस्पताल ग्रुप की अध्यक्ष माधवी लता पहली बार सुर्खियों में तब आईं जब उन्होंने 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं के समूहों के साथ सहयोग किया। माधवी स्कूल कॉलेजों में हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति पर भाषण देने के कारण भी चर्चा में रहती हैं। बीजेपी द्वारा ओवैसी के सामने हिंदुत्व का चेहरा उतारने का कारण मतों के ध्रुवीकरण की कोशिश भी हो सकती है। 2019 में बीजेपी ने भागवत राव को यहां से टिकट दिया था, जो ओवैसी से करीब 3.25 लाख मतों से चुनाव हार गए थे। हालांकि बीते एक दशक में बीजेपी का वोट शेयर तेलंगाना में बढ़ा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से 7% वोट मिले थे, तो 2023 के विधानसभा चुनाव में 15% वोट मिले। इन चुनावों में भाजपा ने पहली बार हैदराबाद
और आसपास की 8 सीटों पर कब्जा किया। इन सीटों में चार मीनार, कारवां, एलबी नगर, राजेंद्र नगर और अंबरपेट सीटें शामिल हैं। वोट शेयर को बढ़ता देखकर ही शायद इस चुनाव में बीजेपी ने प्रत्याशी उतारते समय अलग रणनीति बनाई है। वैसे भी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने इस बार कई दिग्गजों के सामने नए प्रत्याशी उतारकर चौंकाने का काम किया है। जैसे पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से टीएमसी की महुआ मोहित्रा के सामने कृष्णानगर राज परिवार की राजमाता अमिता राय को चुनाव मैदान में उतारा है, तो हिमाचल के मंडी से अभिनेत्री कंगना रानावत को, तो वहीं हैदराबाद से माधवी लता को। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी का ये दांव सफल होता है या नहीं। आप हमारे चैनल द पेन डाउन को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।